इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप फेमपे में रेफ़र किस तरह से कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोग को आप मानोगे नहीं लेकिन आप ही लोग का मैं आज कमेंट पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि फेमपे में रेफ़र को लेके बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है और वो लोग अच्छे से रेफ़र नहीं कर पा रहे हैं। जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो कई सारे लोग का कहना है कि उनको यहाँ पर रेफ़र का ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है। अगर ये बात सच है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को यहाँ पर रेफ़र का ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है, और अगर ऑप्शन दिया भी जा रहा है तो यहाँ पे आप लोग को ये पैसे वाला ऑप्शन नहीं दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको कॉइन का ऑप्शन दे दिया जाता है या फिर आपको 1000 रुपये मिलेंगे इस तरह का मैसेज दिया जाता है, बट इससे होता कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं रेफ़र करता हूँ तो मुझे रेफ़र का पैसा नहीं मिल रहा है, तो रेफ़र का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे बात क्या है कि फेमपे जो है हमारे टीनेजर्स का ऐप है, तो टीनेजर्स में क्या होता है कि 13 से 17 साल, यानी कि आपको ध्यान देना है कि 17 साल से कम उम्र वाले आप लोग जिसको भी रेफ़र करो उसका उम्र आधार कार्ड में 17 साल होना चाहिए या फिर 17 साल या फिर उससे कम, क्योंकि उससे ज़्यादा रहा तो पैसे आपको नहीं मिलेगा, फिर आप बोलोगे कि हमको रेफ़र का पैसा नहीं मिल रहा है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी गलती कि वो लोग रेफ़र करते कैसे हैं, तो मैं अपने कमेंट्स में देखता हूँ वो लोग अपना आप लोग अपना रेफ़र कोड मुझे देते हो मेरे कमेंट्स में। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग रेफ़र कोड दो, मैं आपका करवा दूँ। बाकी आप लोग का प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग रेफ़र करने के लिए यहाँ पर सिंपली से यहाँ पर कॉपी करते हो, यहाँ पे कॉपी करने के बाद आप क्या करते हो यहाँ पे सीधा इसको पेस्ट कर देते हो। मान लीजिए किसी को आपको भेजना है तो आप सिंपली से इतना जो है आप इसको कॉपी करते हो, बट ये गलत है। आपको इतना सा कॉपी करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको करना क्या है, अब मान लीजिए कि चलिए यहाँ पे मेरा ऑप्शन दिया जा रहा है इस वजह से मैं यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग के पास ऑप्शन नहीं तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है सिंपली से आपको अपने प्रोफाइल वाले पे चले जाना है। आप अपने प्रोफाइल वाले पे जाओगे तो यहाँ पे नीचे की ओर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रेफ़र का, जहाँ पे आपको 100% दिया ही रहेगा आपका रेफ़र कोड। तो आपको कहीं और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे रेफ़र कोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है सिंपली से इसको कॉपी कर लेना है। तो जैसे आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे उसके बाद आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया जाता है, मैं अपने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक दे देता आप लोग के लिए, ताकि आप यहाँ से जाकर फेमपे को डाउनलोड करो। तो आपको क्या करना है सिंपली से यहाँ पे आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको कहीं पे भी पेस्ट करोगे तो शुरुआत में जो ये स्लैश है स्लैश के आगे का तक का आप उसको डिलीट कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इसको करके बताता हूँ, यहाँ पे जो स्लैश है आपको उसके पहले का यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद आपने जो वहाँ से कॉपी किया है, मान लीजिए ये आपका रेफ़र कोड है, आपने इसको यहाँ से कॉपी करा, कॉपी करने के बाद आपको इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, और उसके बाद देखिएगा कि ये जो मेरा रेफ़र कोड था वो आपका रेफ़र कोड बन चुका है। तो इस तरह से आप अपना रेफ़र कोड बना सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ से आप करेंगे। ध्यान आपको ये देना है कि आप जिसको भी रेफ़र करेंगे उसका उम्र है वो 17 साल है, मतलब बोल सकते हैं कि 18 साल से कम होना चाहिए, 18 टच नहीं होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे। क्योंकि इसका जो आप देखते हैं इनका कंडीशन क्या रखा है, तो आप देखोगे सिंपली से यहाँ पे मैं आपको रिवॉर्ड्स वाले पे आता हूँ। रिवॉर्ड्स वाले पे आने के बाद आप देखोगे आप लोग को लगता है कि सिर्फ आप ही को पैसा नहीं मिल रहा, बट आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरे पास 416 रेफ़र पेंडिंग पड़ा हुआ है इस टाइम पे, जिसको मैं यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी इसलिए वो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप रेफरल्स वाले पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इनका कंडीशन क्या दिया गया है कि 11 से 17 साल के बीच होना चाहिए, दोनों में पेरेंट्स का आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होना चाहिए, और वो अपना फर्स्ट पेमेंट कर लेगा तभी आपको यहाँ पे पैसे मिलेगा। बाकी आप यहाँ पे देखो कि कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे मेरा बाकी है, उन लोग ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया जिस वजह से मुझे यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा किस तरह से आपको रेफ़र करना है। बाकी जिसका जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें आपको पता चलेगा कि फेमप्ले जिसका ऑप्शन कई सारे लोगों के मोबाइल में नहीं आ रहा उसको सॉल्व कैसे करना है। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए आप लोग एक्साइटेड रहना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ओपन कर लेना।